भारत में बढ़ रही है फास्ट फूड की मांग, जानिए कैसे करें इस बिजनेस की शुरुआत। अगर आप खाना बनाना पसंद करते हैं और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना खुद का फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपना खुद का फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोलना या स्टॉल लगाना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि आजकल लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण ऐसी जगहों पर जाना बहुत पसंद करते हैं। आजकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट को क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ग्राहकों को अपना ऑर्डर करने के बाद इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें तुरंत ऑर्डर करते ही अपना खाना तैयार मिलता है। आज के इस बिजी लाइफस्टाइल में इस तरह के रेस्टोरेंट बहुत चलन में है। जगह का चुनाव बिजनेस की सफलता पर उसकी जगह का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आपका बिजनेस सही जगह पर है, तो आप इससे ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। जब आप अपने रेस्टोरेंट के लिए जगह का चुनाव करते हैं, तो आपको उस जगह को चुनना चाहिए जहां ज्यादा ट्रैफिक होता है और लोग जहां आसानी से पहुंच पाते हों। कितना करना होगा निवेश? एक छोटा सा नॉर्मल फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। ये लगभग 50,000 से 1,00,000 के बीच होता है, लेकिन फिर भी ये राशि आपके प्लान पर ज्यादा निर्भर करती है। अगर आप बड़े लेवल पर बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो खर्च ज्यादा होगा। अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो इसके लिए निवेश राशि फ्रेंचाइजी देने वाले पर निर्भर करती है। मुनाफा कितना होगा? फास्ट फूड रेस्टोरेंट का बिजनेस एक तेज रफ्तार से चलने वाला बिजनेस है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बिजनेस में आपको मुनाफा शुरुआत में भले ही कम होगा, लेकिन जब आपका ये बिजनेस चल जाएगा, तब आपका मुनाफा बहुत अच्छा होगा। इस बिजनेस से होने वाला मुनाफा कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि स्टाफ सैलरी, राशन आदि। आपके शॉप में ठीक ठाक लोग भी आते हैं, तो आप एक दिन का लगभग 2,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा राशन खरीद कर ना रखें। अपनी बढ़ी कीमतों को थोड़ा कम करके भी रखा जा सकता है। इस तरह आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। किन किन जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता होगी? एक फास्ट फूड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 5 लाइसेंस की जरूरत होगी, जिनमें FSSAI के द्वारा फूड लाइसेंस, लोकल म्यूनिसिपलिटी द्वारा हेल्थ लाइसेंस, सेफ्टी लाइसेंस, पुलिस विभाग की तरफ से लाइसेंस और GST लाइसेंस आदि शामिल होते हैं। अपने फास्ट फूड बिजनेस के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको फास्ट फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.fssai.gov.in पर विजिट करना होगा। यहाँ आपको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक फीस भरनी होगी, जो लगभग 5,000 रुपए होती है। कैसे करें बिजनेस की मार्केटिंग? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद या कुछ पहले जो सबसे अहम चीज होती है, वो है उसकी मार्केटिंग। जितना लोगों को आपके न्यू स्टार्टअप के बारे में पता होगा, उतना लोग आपसे जुड़ेंगे और आप तक आएंगे। सोशल नेटवर्क के द्वारा मार्केटिंग। आजकल युवा वर्ग के साथ साथ हर वर्ग के लोग सोशल मीडिया पर किसी न किसी तरह से एक्टिव रहते हैं, इसलिए अपने नए बिजनेस की जानकारी सब तक पहुँचाने का ये सबसे अच्छा जरिया होता है। इन सब के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर अपनी पब्लिसिटी करने के लिए आपको ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता। आवश्यक पैम्फलेट और लोगो डिजाइन। आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग लोकल चैनल और पैम्फलेट के द्वारा भी कर सकते हैं, जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कॉमेंट करके हमें बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।